सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है सवरने के लिए। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन होता है। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना होगा, और दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ना है तो कम्फर्ट जोन छोड़ना होगा। आज का पंचांग 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 6:59 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:17 से 1:55 तक रहेगा। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, आप आज ऊर्जा से भरे हैं। आपके आकर्षण और कुशलता से आज घर परिवार में सब प्रभावित होंगे। अपने दोस्तों या किसी खास के साथ बाहर घूमने जाकर मजे करें। दिन शांत और तनाव रहित रहेगा। आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन अपने खरीदारी के खर्चों पर भी नजर रखें। असमंजस में अनुभवी लोगों की सलाह लें, इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। परिवार के कामों में व्यस्त रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में दिलचस्पी रखने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव होंगे। अपने आसपास हर एक व्यक्ति के विचारों का ठीक से परीक्षण करें। कोई व्यक्ति आपके स्त्रोत और विचारों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, इस कारण भावनात्मक रूप से तकलीफ होगी। सतर्कता रखना भी जरूरी है। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र की वजह से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने में वक्त लग सकता है। पार्टनर आपसे भी अधिक अन्य लोगों को महत्व दे सकते हैं, इस कारण आपको खुशी महसूस होगा। सर्दी खांसी की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, अपने कामों पर ध्यान दें। दूसरों के मामलों में दखल देने से आपके काम अधूरे रह जाएंगे। सरकारी कामों में लापरवाही ना करें, समय के हिसाब से काम कर लें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी की सलाह पर काम करने से किस्मत का साथ भी मिल सकता है। आप अपने पार्टनर या अपने संबंध के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बातें जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, अब साफ होना शुरू हो जाएगी। इससे आपको यह फैसला लेने में बहुत मदद मिलेगी कि आप इस संबंध में कितना निवेश करना चाहते हैं और इस तरह की और कितनी सीमाएं रखना चाहते हैं। बात करते हैं करियर की। आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने संबंध का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ ना कहें, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको ना भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। रुका हुआ इनकम शोर से शुरू हो सकता है। महिलाएं अपने बिजनेस में खास तौर से सफल रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है, इससे काम और अच्छे से होगा। बात करते हैं सेहत की। आज का दिन आपके जीवन शैली में कुछ अपेक्षित बदलाव करने के लिए एकदम उपयुक्त है। ऐसी किसी स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी भोजन संबंधित आदतों में बदलाव करना होगा। आपको स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में कुछ बहुत अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का उपाय, गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।